आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे आपका पेज लेआउट के अंदर है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ये देखेंगे आपका पेज के अंदर क्या है, पेज कलर भी है, बॉर्डर भी है, और ऐसे ही देखेंगे आपका वाटरमार्क भी लगा हुआ है। तो ये सब कैसे लगाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसी को देखेंगे और सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल वसीम कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज सीखेंगे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में। तो हम एक नया पेज ले लेते हैं आपको यहाँ से, और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे ओके कर देंगे तो आपका पेज नया आ जाता है। फिर आपका कहाँ पर आता है, पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका वाटरमार्क आज हम देखेंगे। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे आपको किसी फाइल के नीचे, मतलब के फाइल के अंदर या किसी बुक के अंदर आपको वाटरमार्क लगाना है, जैसे कि डू नॉट कॉपी। ये देखेंगे अभी आपका दिख रहा है, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है डू नॉट कॉपी। यहाँ से कुछ लिख भी सकते हैं, कहाँ से आपका वाटरमार्क के अंदर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपना नाम लिख दें तो आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ रहा है डू नॉट कॉपी, अब इसको अपना नाम दे दीजिए। ये हमने दे दिया। इसके बाद नीचे देखेंगे क्या है, फॉन्ट आ रहा है। अब फॉन्ट का कौन सा स्टाइल लेना, आप यहाँ से फॉन्ट भी ले सकते हैं, तो हम जो है वही रखते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपको या फोन चेंज भी करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या है, साइज़। तो साइज़ में हम ऑटो रखेंगे या फिर आपका जो यहाँ पर ऑप्शंस है जिसको लेना चाहेंगे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो हम ऑटो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या है, कलर। अगर कलर लगाना है, आप चाहते हैं कि ये जो आपका डू नॉट कॉपी है जिसको हमने अभी वसीम कंप्यूटर्स के नाम से चेंज कर दिया है, चाहते हैं कि जो वाटरमार्क हमारा कलरिंग हो, तो किसी एक कलर पे क्लिक कर देंगे और ये देखेंगे आपका यहाँ पर निशान लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है। फिर अप्लाई कर देंगे, अब देखेंगे ये आपका जो टेक्स्ट है वो उसका स्टाइल चेंज हो गया है। कहाँ से हमने चेंज किया, वाटरमार्क से, कस्टम वाटरमार्क। अब यहाँ पे क्या है, अभी देखेंगे थोड़ा बहुत हल्का दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे निशान हटा देंगे और अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में आपका क्या होता है, थोड़ा ये डार्क हो जाता है। कहाँ से, जब आप यहाँ से निशान हटा देते हैं, फिर लगा देंगे, अप्लाई करेंगे, ये देखेंगे आपका हल्का हो गया। तो हल्का ही रखते हैं क्योंकि जो आपकी तहरीर होगी, जो राइटिंग होगी, वो आपका क्या साफ़ साफ दिखना चाहिए। तो वो साफ साफ कब दिखेगा, जब आपका वाटरमार्क हल्का होगा। और आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है टेढ़ा थोड़ा तो सीधा हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये देखेंगे आपका सीधा हो गया है। फिर इसके बाद आपको वाटरमार्क में आपको फ़ोटो लगाना है, इमेज लगानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ले लेते हैं, फिर इंसर्ट कर देंगे, फिर अप्लाई और यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये देखेंगे आपका जो है क्या इमेज वाटरमार्क में इस्तेमाल हुआ है। कहाँ से हमने किया है, वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क के अंदर जा कर। तो एक सूरत में आपका दोनों यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या तो पिक्चर को या फिर राइटिंग को। तो हमने अभी पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर को वाटरमार्क में लगाया है। फिर यहाँ पे अगर आप निशान हटा देते हैं तो उस सूरत में आपका क्या होगा, ये जो वाटरमार्क है ये आपका थोड़ा डार्क हो गया है, तो डार्क नहीं रखते हैं। ये आपको मालूम है क्यों, ताकि वो प्रिंट में जो वर्ड हमारा हो वो साफ साफ दिखाई दे। तो आप इस पर निशान लगा के रखेंगे, फिर ओके कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जैसा वाटरमार्क रहना चाहिए वैसे ही हो जाएगा। और अगर आपको क्या है वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो आप वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिमूव वाटरमार्क कर देंगे, वो आपका वाटरमार्क ख़त्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, पेज कलर। पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर कलर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जौन सा कलर चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे, वही कलर आपका पेज के अंदर आ जाएगा। फिर आपको चेंज करना है या हल्का करना है तो इस पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। फिर पेज कलर में आपका ऑप्शन भी है नो कलर, या फिर मोर कलर पे जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर बना सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है,
दोनों आपका सेम है, मतलब चाहे तो इसको इस्तेमाल करें या चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करें, दोनों का काम एक ही है, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कलर दिखाएगा, जैसे कि न्यू ये आपका ऊपर वाला है और जो करंट है पेज के अंदर ये नीचे वाला है। ओके कर देंगे, ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया है। फिर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कलर हो तो आप कहाँ पे जाएंगे, फिल इफ़ेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वन कलर, टू कलर, प्रेजेंट कलर। प्रेजेंट में क्या होगा, कुछ बना बनाया यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है, अब जिस किसी पे एक पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आपका लग रहा है कि ये आपका पेज नहीं है बल्कि कुछ और लग रहा है। कहाँ से आपका पेज कलर पे फिल इफ़ेक्ट, वन कलर में वन कलर ही आएगा जो आप यहाँ पे ले लेंगे, ये इस तरह का यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा लाइट है डार्क है, जिधर करेंगे ये आपका ये लाइट होगा, निधर इतना नीचे करेंगे आपका डार्क होगा। फिर आपका क्या है, ये जो स्टाइल है हॉरिजेंटल है, यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ सामने आपको दिखाएगा, फिर ये देखेंगे, ये देखेंगे, किसी एक पे क्लिक करके यहाँ ओके कर देंगे, ये कलर आपका देखेंगे चेंज हो गया है। लेकिन अगर आपको क्या है टू कलर चाहिए तो फिल इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे और टू कलर पे निशान लगा देंगे, अब ये देखेंगे अभी फ़िलहाल टू कलर है लेकिन ये आपका कॉर्नर में है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं और ओके, तो ये देखिए आपका टू कलर आ गया है। कहाँ से हमने किया है फिल इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारा है। फिर टेक्चर, यहाँ पे इस तरह का किसी मतलब के दीवार की शक्ल में या मिट्टी की शक्ल में किसी एक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे शक्ल दिखा रहा है वैसे ही आपका ये देखिए आपका पेज है, लेकिन कैसा लग रहा है, पेज लग ही नहीं रहा है। कहाँ पे आपका पेज कलर में फिल इफ़ेक्ट यहाँ पे। फिर पैटर्न में क्या होगा, इस तरह का पैटर्न दिखाएगा। फिर पिक्चर में क्या है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस पिक्चर को बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लिए फिर इंसर्ट कर देंगे फिर ओके, तो वही चीज़ आप देखिए आपका इतना कॉपी हो गया कि बार बार लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपका कहाँ से पेज कलर से, अब एकदम नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे, आपका जो भी स्टाइल रहेगा जो भी डिज़ाइन रहेगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेज बॉर्डर, आपको पेज के अंदर बॉर्डर लगाना है तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं होम के अंदर जा कर के। अब पेज बॉर्डर में जाता है, पेज लेआउट से पेज बॉर्डर, तो यहाँ पे आपका देखेंगे क्या है, तीन ऑप्शन है, बॉर्डर्स है, पेज बॉर्डर है, फिर शेडिंग, तो तीनों का अलग अलग मतलब है। सबसे पहले वाला जो है आपका बॉर्डर्स, ये आप किसी टेक्स्ट के ऊपर या नीचे बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास ये टेक्स्ट है हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे जाएंगे, आपका बॉर्डर, फिर सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसके बाद ऊपर लगाना है तो ये देखेंगे यहाँ पे एक मतलब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कस्टम हो रहा है, और ओके कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पैराग्राफ के अंदर आएगा, ये आपका सिर्फ ऊपर आया। ऐसे ही आप चाहते हैं कि कहाँ पे आए, ये देखिए मतलब कि टेक्स्ट के अंदर आए लेकिन हमारा सिर्फ ऊपर आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि चारों तरफ आए तो ये आप पैराग्राफ के अंदर चारों तरफ आएगा, ओके कर देंगे तो ये देखेंगे जो आपका एक पैराग्राफ है वो आपका किस में है, पूरा का पूरा बॉर्डर के अंदर। कहाँ से ये हमने लिया है, पेज बॉर्डर में सबसे पहले वाला बॉर्डर, यानी कि ये जो भी हम बॉर्डर लेंगे वो आपका किस में आएगा, पैराग्राफ के अंदर आएगा। अगर कलर भी चाहिए बॉर्डर का तो आप कलर ले सकते हैं, और यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, किसको आउटलाइन को, ये हम क्लिक करेंगे ओके कर देंगे, ये देखिए बारीक हो गया है। इसके बाद आप चाहते हैं कि क्या हो, पेज बॉर्डर यानी कि पूरे पेज के अंदर बॉर्डर हो, तो पेज बॉर्डर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और नन है, नन का मतलब कुछ नहीं खाली है, तो आप जिसको लेना चाहेंगे उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कलर ले सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कितना मोटा लेना है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, और हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा मोटा, और इसके बाद कर देते हैं ओके, तो ये देखेंगे आपका पेज के अंदर बॉर्डर आ गया है। ऐसे आप क्या स्टाइल वाला लेना चाहते हैं स्टाइल वाला ले सकते हैं, यहाँ से आपका बहुत सारा स्टाइल है, या फिर ऐसे आपके आर्ट टाइप का लेना चाहते हैं तो किसी एक पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आपका क्या हो गया, आर्ट टाइप का आ गया। कहाँ से, पेज बॉर्डर से, ये आपका। फिर यहाँ से चाहे तो इसको आप थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, लग रहा है कि बहुत मोटा है, तो ये देखिए आपका बारीक हो गया है।
अब चाहे तो ये वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बॉर्डर के अंदर शेडिंग। आप चाहते हैं कि शेडिंग हो जिस किसी मतलब तहरीर के नीचे, तो आप यहाँ पे नो कलर है इस पे सेलेक्ट कोई कलर कर लेते हैं, फिर ओके। तो ये देखेंगे आपका जिस पे हमारा जिस पैराग्राफ के अंदर कर्सर रहता है उसके अंदर कलर आ जाता है, कहाँ से, पेज बॉर्डर से आपका शेडिंग। कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से नो और ओके कर देंगे, तो ये देखिए जो कलर था वो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये बहुत आसान है। आगे देखते हैं, फिर इसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ से, यहाँ से आपका आता है ये वाला, और यहाँ से नन, ओके। और पेज बॉर्डर को भी तो चाहे तो ख़त्म कर लीजिए आप, नन कर दीजिए, ओके। अब इसके बाद क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप इस पैराग्राफ को सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे जस्टिफाइड, इसके बाद इस पैराग्राफ को चाहते हैं कि थोड़ा हट के हो तो हमने इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका क्या हो रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि पूरे को करें तो पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको आप अपनी जगह पे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए आप ज़ीरो पे ले आइए तो ये आपका अपनी जगह पे चला जाता है। ऐसे ही आप क्या है, जैसे कि आप इसको राइट ले जाना चाहते हैं राइट की तरफ, ये देखिए आपका राइट से कम हो रहा है, यानी कि ऊपर वाले में क्या हो रहा था, इधर से कम हो रहा था लेफ्ट साइड से, और राइट वाले में राइट साइड से कम होता है। तो आप यहाँ से भी चाहे तो ज़ीरो कर दीजिए कीबोर्ड से और इंटर दबा देंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या स्पेस चाहिए पैराग्राफ के पहले या बाद में, तो आप जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है, अब बिफोर यानी कि जो आपका टेक्स्ट है इससे पहले भी स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रहा है और पैराग्राफ से पहले भी। लेकिन आप चाहते हैं कि पैराग्राफ से पहले ना हो पैराग्राफ के बाद हो, तो आप यहाँ पे या तो क्लिक करके ज़ीरो कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड ज़ीरो इंटर, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, पैराग्राफ के बाद चाहिए आपको स्पेस, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हैं। अब इसके बाद ये देखिए नंबर यहाँ पे जैसे बढ़ेगा आपका स्पेस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, करके देख लेंगे। इसके बाद आगे क्या है देखेंगे, पोजीशन, ये सब आपका कोई भी चालू नहीं है। तो ये आपका कब चालू होता है, जब आप इंसर्ट से कोई शेप लाते हैं या फिर क्या है कोई आप पिक्चर लाते हैं, तो उस सूरत में आपका ये सब चालू होता है। ये आपका जैसे ही हमने शेप लिया है, ये देखेंगे फॉर्मेट चालू होगा, और उसके बाद वही सब ऑप्शन यहाँ पर भी है, कहाँ पे आपका फॉर्मेट के अंदर जो आपका पेज लेआउट के अंदर है, तो आप क्या है इसको पोजीशन किधर रखना चाहते हैं, या तो चाहे आप इसको फॉर्मेट से पहले कोई कलर दे दें, फिर आप पेज लेआउट कर अंदर जाएंगे और यहाँ से देखेंगे पोजीशन किधर रखना है। ये आपका सिंपल है, बहुत ईजी है, किसी एक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट समझ में आ रहा है, ऊपर लाने के लिए, सेंड टू बैक पीछे भेजने के लिए जब आपका एक से ज़्यादा होता, या टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे देखेंगे अब इस तरह से ये क्लिक कर दिए, ये आपका क्या है थोड़ा थोड़ा घूम के मतलब कि ये सेट हो जाता है, पूरा पूरा सीधा नहीं होता है, और इसमें क्या है एकदम पूरा सीधा हो रहा है। तो इस तरह से आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो ये वाला बहुत अच्छा है, यानी कि पूरा जैसा सेट होना चाहिए वैसे ही पूरा सेट हो गया है। फिर इसके बाद क्या है, अलाइन लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ये देखिए आपका राइट में हो गया, तो जहाँ पे जैसा रखेंगे वो आपका वैसा हो जाएगा। इसके बाद क्या है, रोटेट समझ में आता है, रोटेट घुमाना कितना घुमाना है, या मोर रोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है, पहले कलर आ रहा है किस तरह का कलर चाहिए, फिर साइज कितना लंबा चौड़ा लेना है, फिर लेआउट, या आपका यहाँ पे जो आया था लाइन, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग वही आपका यहाँ पर है, पिक्चर है, टेक्स्ट बॉक्स है, आल टेक्स्ट, तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ पे बहुत सारा है आप क्लिक करके देखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।